अभी इस नई सरकार को 10 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन 10 हफ्ते के छोटे से कार्यकाल में भी सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नए आयाम दिए गए हैं और सामान्य जनता ने जिन आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है, उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किए बिना हम पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपकी सेवा में मग्न है। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम, 10 सप्ताह के भीतर भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम, हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। हमारे किसान भाई बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है। 60 साल की आयु के बाद वे भी सम्मान के साथ जी सकते हैं। शरीर जब ज्यादा काम करने के लिए मदद न करता हो, उस समय कोई सहारा मिल जाए, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है। जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा ये भी चर्चा होती है। उन चीजों को पहले से ही सोच करके केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाए, इसके लिए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है। हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टरों की जरूरत है, आरोग्य की सुविधाएं और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है, नई व्यवस्थाओं की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है, देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए अवसर देने की जरूरत है। उन चीजों को ध्यान रखते हुए मेडिकल एजुकेशन को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून हमने बनाए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आज पूरे विश्व में बच्चों के साथ अत्याचार की घटनाएं सुनते हैं, भारत भी हमारे छोटे छोटे बालकों को असहाय नहीं छोड़ सकता है। उन बालकों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून प्रबंधन आवश्यक था, हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है।